उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। लखीमपुर मैलानी के कंधई में पुलिस महिला के बाल पकड़कर घसीट कर ले जाते हुए नजर आ रही है। अब ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी ने महिला की लात घूंसों के साथ पिटाई भी की। यहाँ तक कि लड़कियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा, उन पर भी डंडे बरसाए गए। यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो का क्लिप शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। लखीमपुर में एक पुलिस महिला को बालों से पकड़कर सड़क पर सरेआम घसीटे जा रही है। अगल बगल कई पुलिस वाले भी खड़े हैं, मगर कोई भी रोकता नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम कंदईपुर में दो बच्चों के बीच विवाद हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर एसओ मैलानी राहुल सिंह गौड़भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गई। पुलिस के समझाने के दौरान ग्रामीण उग्र हो गए और उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान गांव वालों ने पुलिस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पथराव में एसओ और अन्य पुलिस कर्मी घायल भी हो गए। इसके बाद मैलानी समेत अन्य थानों की फोर्स वहां पहुंच गई। पुलिस ने गांव वालों को बर्बरता पूर्वक लाठियां मारनी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब एक पुलिसकर्मी महिला को बाल पकड़कर घसीटने लगा और लात घूंसे भी मारने लगा। महिला के साथ पुलिस की बर्बरता का यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और अब ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।